हेलो दोस्तों, टैक्स पर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार, आज सुबह के फाइनेंशियल न्यूज से। आज हम घर से ही शूट कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमारे ऑफिस को क्लोज कर दिया गया है। तो आज का सेंसेक्स फिर अगर हम बात करें फाइनेंशियल न्यूज के, तो मार्केट के हालात वही है। रेड का रेड हुआ पड़ा है। सेंसेक्स अभी भी 28,000 के ऊपर आ गया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले 28,000 के नीचे था। कहा जा सकता है कि बहुत ही रेड था। अभी सेंसेक्स 752 पॉइंट नीचे चल रहा है। अगर निफ्टी की बात करें तो 8,227 पे चल रहा है, जो कि 330 पॉइंट नीचे है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो मार्केट के हालात वैसे ही थे जैसे कल थे, पूरा स्ट्रीट रेड हुआ पड़ा है। यूएस मार्केट की भी हालत वही है। ट्रंप उसके लिए काफी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने काफी कुछ कल हेलीकॉप्टर अमाउंट की भी अनाउंसमेंट की थी। अब इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले यस बैंक को अभी 60,000 करोड़ का आरबीआई ने क्रेडिट लाइन दिया है। कहा जा सकता है कि इससे रिवाइवल की जो पॉसिबिलिटी है बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उनकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ऑलरेडी यस बैंक ने 10,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट थी वो अलग अलग बैंकों के थ्रू हो चुकी थी, तो 60,000 का एक्स्ट्रा था। वाइल की अगर प्राइस करें तो 18 साल के लोअर पर चल रहा है, उसके हालात भी बहुत ख़राब हैं। इसके बेनिफिट हमारे एविएशन सेक्टर को हो सकता था, लेकिन जितनी बेनिफिट की उम्मीद थी उतनी बेनिफिट नहीं हो पाया, क्योंकि ओवरऑल जो पूरा कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम था वो पूरे मार्केट के इम्पैक्ट किया हुआ है। और जो आपका पूरा ट्रेवल एंड टूर एंड ट्रेवल एजेंसी है वो पूरी तरह से लॉकडाउन हुए पड़े हैं। इसके साथ कि भारत सरकार ने 12,000 करोड़ का अलग से एक अमाउंट दिया है, जो एविएशन सेक्टर को आप कह सकते हैं कि बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। टेलीकॉम सेक्टर के हालात भी वही हैं। एजीआर के आने के बाद अभी जो कल का अनाउंसमेंट था उसके बाद अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं तो उनके भी प्राइस काफ़ी नीचे आ गए हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस का इम्पैक्ट और भी देखा जा रहा है। लगभग माना जा रहा है कि 25 मिलियन जॉब नीचे जाएंगे। उसके अलावा 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का ग्लोबल इंपैक्ट होगा। यानी कि कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम है डे बाई डे मार्केट में बढ़ता जा रहा है और उसका जो इंपैक्ट है मार्केट बहुत ही पैनिक है। इसको पैनिक ही कहा जाए क्योंकि जिस हिसाब से सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जा रही है वो प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल के और अलग जो सेक्टर है उनके भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। ओवरऑल गवर्नमेंट इसको रिवाइवल की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट अभी कुछ तरह के बॉन्ड भी लेके आने की कोशिश कर रही है जिससे कि जो स्मॉल और मिडिल स्केल बिजनेसेस है उनको लोअर रेट पे अमाउंट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। शाम के फाइनेंशियल न्यूज के साथ फिर से हम घर से ही लाइव करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।